बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स टेस्ट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैंची लीवर की किस्म है। सीजर इज द फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर सादा पेंडोलियम में कैमियत एम हो और स्प्रिंग का मुस्तकिल के हो तो इसका टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2π√m/k। क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटर की इकाई को फेराड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करंट एक स्केलर मकदार है। क्वेश्चन नंबर 5, गेमा शुआएं न्यूट्रल पार्टिकल पर मुश्तमिल होती हैं। गेमा रेज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 6, माखूज इकाइयों की तादाद 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी मुतहरक जिस्म के इकाई वक्त में तय करदा फासले को स्पीड कहते हैं। द डिस्टेंस कवर इन अ यूनिट टाइम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8, बैनुलअक्वामी निज़ाम पेमाइश में जी की मकदार 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी जिस्म में मादे की मकदार को मास कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। क्वेश्चन नंबर 10, लुढ़कने की रगड़ घसीटने की रगड़ की नस्बत ज़्यादा होती है। द रोलिंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, रगड़ की मियार की इकाई है। द यूनिट ऑफ फ्रैक्शन इज FS। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक हरकत को अनर्शिया का कानून भी कहते हैं। न्यूटन के पहले कानून ने हरकत को अनर्शिया का कानून भी कहते हैं। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ अनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी मकदारें जिनको समझने के लिए सिर्फ ए उनकी अददी कीमत और मुनासिब इकाई की जरूरत होती है स्केलर कहलाते हैं। द क्वांटिटी फॉर विच वी नीड देयर यूनिट एंड मैग्नी चूट आर कॉल्ड स्केलर्स। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसी मकदारें जिनको समझने के लिए उनकी अददी कीमत और मुनासिब इकाई के अलावा उनकी सिमत की भी ज़रूरत हो तो वेक्टर कहलाती हैं। द क्वांटिटी फॉर विच वी नीड देयर यूनिट मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन आल्सो आर कॉल्ड वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसा शफाफ जिसम जिसकी 3 सतहें मुस्ततील नुमा और 2 सतहें मुसलस नुमा हों कहलाती है प्रिज्म कहलाता है मंशूर। द ट्रांसपेरेंट बॉडी हुज 3 साइड आर रेक्टेंगुलर एंड 2 साइड आर ट्राई ट्रेंगुलर इज कॉल्ड प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, मिराज एक ऐसा मनाजिर मज़र है जिसकी तशरी कुली दाखली इनकास पर की जा सकती है। मिराज इज अ साइट डिसीव विच कैन बी एक्सप्लेन बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, जब भी रोशनी कसीफ वास्ते से लतीफ वास्ते में दाखिल हो और जाविया वकू और जाविया इनताफ आपस में 90 दर्जे के जाविये बनाए तो डैश कहलाता है। वेन ईवर लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर एंड रियर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल एंड फ्रॉम 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। क्वेश्चन नंबर 18, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। इन न्यूक्लियस द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर
19 न्यूक्लियस से शुआओं के इखराज को डैश कहते हैं। द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 20 एक आंसर के ऐसे एटमों जिनका एटमी नंबर एक हो लेकिन इसके मास नंबर मुख्तलिफ हों आइसोटोप कहते हैं। इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक एंड सेम बट देयर मास नंबर आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। क्वेश्चन नंबर 21 हाइड्रोजन के तीन हमजा या आइसोटोप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 रोशनी की स्पीड मीटर पर सेकंड है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3×10^8 मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 23 एन टाइप अशिया में आजाद चार्ज बरदार होते हैं। एन टाइप मटेरियल द फ्री चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रांजिस्टर के पतले मरकजी हिस्से को बेस कहते हैं। द थिन पोर्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। क्वेश्चन नंबर 25 सूरज और दूसरे सितारों में फ्यूजन का अमल होता है।